गया, एक यूट्यूबर है भाई, गाली दिया, ऐसा गाली दिया भाई ने, क्या बोला है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज हमारे घर में पूरा परिवार ही, कौन कौन खाएगा बर्फी, हाथ उठाओ। अरे खाना बना के आइए, देखो गाल में ये लगा है आटा। गुड इवनिंग, अभी शाम को 5 बज रहे हैं दोस्तों। देखिए आज हम खेतों में पानी डाल रहे हैं, जो सब्जी लगाया था पानी डाल दिए दोस्तों, देख सकते हो पूरा पानी पानी हो गया। सैया ने देखा ऐसे, मैं पानी पानी हो सकते हो दोस्तों, और पानी ज़्यादा हो गया था इधर बह के, इधर टूट गया था, अभी आया तो बंद किया हूँ। और ये गन्ना रोपे थे ना, वो आ चुका है देख सकते हो, ये छोटा छोटा गया है। और एक वहाँ पे है छोटा सा, और उसका एक एक छोटा है, तो सब्जी वगैरह सब आ गया दोस्त। बैगन वैगन भी पटा दिया, क्या पता फरेगा। और मिर्ची वर्ची भी फूल दे रहा था हल्का हल्का, देख सकते हो वहाँ पे फूल लगा है, तो फल सकता है। पानी वानी तो डाल दिया हूँ दोस्त, और इधर भी, और इधर बह गया दूसरा खेत में, तो इधर भी हो गया, उधर भी हो गया। तो मोटर को बंद कर दिया दोस्त, यहाँ तक हो गया, उधर का पानी इधर आ जाएगा, पानी बंद हो गया, इधर पूरा भर गया है। अब ये सब्जी देने के लायक हो गया है, टमाटर अभी पक नहीं रहा यार, बहुत छोटा छोटा है देख सकते हो, कुछ कुछ सड़ भी जा रहा है नीचे, इसलिए ऊपर बांधा था। नीचे क्या पानी में रहता है तो सड़ जाता है, इसलिए ऊपर बांधा था, फिर भी बराबर फल नहीं दे रहा है देख सकते हो, छोटा छोटा फल रहा है और पक जा रहा है। वहाँ तक हो गया, लहसुन को नहीं पटाना है दोस्त, अभी क्या हो चुका है वो गल जाएगा, अभी होने को आ गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज हम लोग लहसुन उखाड़ रहे हैं, हो गया है लहसुन उखाड़ दे रहे हैं, इसलिए कि बारिश के कारण अभी गीला हो जाएगा, और पत्थर वत्थर गिरे तो चोट से चीथड़ा हो जाता है, इसकी वजह से उखाड़ दे रहे हैं। बारिश आज मौसम थोड़ा चेंज था देख सकते हो, पूरा बादल बादल था, इसके वजह से अर्जेंट में लहसुन को उखाड़ना पड़ रहा है। इतना सारा इधर है, इतना इधर है, उतना उधर है, और उधर खांची में रखे हैं, तो अर्जेंट में इसको उखाड़ना पड़ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। दीदी इधर, मम्मी इधर, हम लोग सब मिलकर आज लहसुन उखाड़ रहे हैं, है ना, बेचेंगे नहीं, घर पे खाने के लिए रखे हैं दोस्तों, इतना सारा खर्चा हो जाता है, बाकी दीदी घर भी पहुँचाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना दीदी। हाँ बाबू, हाँ दीदी घर पहुँचाना पड़ेगा, फुआ घर पहुँचाना पड़ेगा, नानी घर पहुँचाना पड़ेगा, सब घर पहुँचाना पड़ता है, इसलिए दक्षिण क्षेत्र में होता है, उधर हमारा नानी का घर मघम है, इसलिए नहीं हो पाता उधर, तो इसलिए पहुँचाना पड़ता है। देख सकते हो कितना अंदर है घुसा हुआ, पूरा ये मिट्टी में दब गया है, इसकी वजह से बहुत छोटा छोटा हुआ है, बहुत छोटा छोटा हुआ है, ये और होता इतना बड़ा बड़ा होता, लेकिन अभी बहुत छोटा छोटा है, बारिश के कारण क्या अर्जेंट में इसको निकाल रहे हैं, पत्थर बारिश होता है तो बेकार हो जाता है। प्रिंस की मम्मी भी इधर आ गई है, काम पे लग गई है, आज सब काम पे लग गए हैं दोस्त, देख सकते हैं इतना सारा हो गया है, पूरा हो गया है, बस एक और बाकी है, इतना सारा छोटा सा, तो इसको फटाफट करते हैं, फिर खाना वाना खाया जाएगा, अभी मौसम सही है, इसीलिए अभी मौसम सही है, इसकी वजह से जल्दी जल्दी कर लेते हैं, नहीं तो बारिश वारिश आ जाएगा, अभी गेहूं काटने भी जाना है। दोस्तों ये ब्लॉग कैसा लग रहा है आपको बताइएगा कमेंट करके, देखो बाल में आटा लगा, खाना बना के आई, धोई नहीं है, तो मुँह हाथ धो के आओ पहले, है पहले काम काम करता था ना मुंह धोया, ओ पहले काम, बात सही है, पहले काम करो तब मिलेगा खाना, नाना घर के दाना है, हाक लगा के खाना है। तो उधर हो गया है दोस्तों, अभी मम्मी दीदी सब इधर आ गए हैं, और ये दीदी आ गई है, और मम्मी उधर अभी कोड़ रही है, तो देख सकते हैं दोस्तों, आज हमारे घर में पूरा परिवार ही लहसुन को खा रहे हैं, देख सकते हो
पूरा परिवार आज लहसुन को खा रहे हैं। पूरा खेतों में हमारा काम चल रहा है अभी। बराबर से करो, बराबर से। सबको 5-5 रुपया दूंगा काम करने के लिए। सबको 5-5 रुपया में काम करवाएंगे। आज शाम को बर्फी खिलाएंगे सबको, बर्फी। ये काम हो जाएगा तो शाम को बर्फी खिलाएंगे। बर्फी कौन खाएगा? बर्फी हाथ उठाओ। कौन है? तो सब लोग बर्फी खाने के लिए तैयार है। अभी ये सब काम धंधा कर लेंगे, उसके बाद सबको बर्फी खिलाएंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों एक बात बोलना था यार, दोस्तों भाई एक भाई ने कमेंट किया है कि यूट्यूब कौन सी भाषा में गाली दूँ, इंग्लिश में दूँ, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकता। ये वीडियो मैं बनाया था मेरा यूट्यूब पेमेंट के रिलेटेड, तो उसमें भाई ने कमेंट किया था। तो भाई पता है आपको सबको, एक उम्मीद होता है यूट्यूब से पैसा लेने का, जिसकी वजह से वीडियो बनाया था।